हाय फ्रेंड्स, हमारे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही यमी और टेस्टी पकौड़ा। तो फिर चलिए इस रेसिपी को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे लिया है मैंने 2 से 2.5 चम्मच के करीब बेसन, यह बारीक बेसन है। अब मैं इसमें डालूँगी अजवाइन 1/2 छोटी चम्मच। तो अजवाइन को आप इस तरह से क्रश करके डालें तो इससे फ्लेवर काफ़ी बढ़ जाता है। हींग 1 चुटकी, हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1/4 चम्मच, लाल मिर्च आप अपने स्वाद अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं, और नमक स्वाद अनुसार। आप लाल मिर्च की जगह पे हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, तो हरी मिर्च को आप अच्छी तरह कूट लें तभी डालें। और इसका हमें एक थिक सा बैटर तैयार करना है। तो मैंने यहाँ पे टोटल 1/4 कप के करीब पानी डाला है, और ये देखिए बेसन का बैटर हमारा तैयार हो गया है। ना तो बहुत ज़्यादा पतला है और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा, यह परफेक्ट है, यह पनीर पर अच्छे से चिपकेगा। तो यहाँ पे लिया है मैंने 100 ग्राम के करीब पनीर, और इसको मैंने थोड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है। तो चलिए सबसे पहले हम पनीर को मैरिनेट कर लेते हैं। तो ये है हमारे पास सेजवान चटनी। अगर आपके पास सेजवान चटनी नहीं हो तो आप टमाटो केचप या फिर हरी चटनी भी लगा सकते हैं, या फिर बिना मैरिनेट किए हुए भी पकौड़ा बनाइए, वो भी खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो चटनी को हम दोनों साइड लगा लेंगे अच्छी तरह। तो इस तरह से इसे हमें लगा लेना है। तो ये पनीर हमारा मैरिनेट हो गया है, तो इसे हम 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि इसका फ्लेवर और अच्छे से आए। 10 मिनट बाद इसे हमें फ्राई करना है। तो चलिए अब इसको हम बेसन के बैटर में डिप कर लेते अच्छी तरह, अच्छे से हमें कोट कर लेना है। और ऑयल हमारा मीडियम हॉट गर्म है, तो पकौड़े को हमें मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है। और इस पकौड़े को फ्राई होने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 3 से 4 मिनट में ही फ्राई हो जाता है। तो आप इसे इत्मीनान से फ्राई करें, और जब यह नीचे से सिक जाए तो इसे आप इस तरह से पलट लें। तो इसको हम दोनों साइड से पलटते हुए फ्राई करेंगे, और देख सकते हैं पकौड़ा हमारा फ्राई हो गया है। पर इसे मैं थोड़ा देर के लिए और फ्राई करूँगी ताकि इस पर और अच्छा कलर आए और पकौड़ा हमारा क्रंची बने। तो ये हमारा पकौड़ा फ्राई हो गया है, तो इसे निकाल लेते हैं टिश्यू पेपर पे ताकि जो एक्सेस ऑयल है एब्जॉर्ब कर ले। तो आप इस पकौड़े को सर्व कर सकते हैं हरी चटनी या फिर टमाटो केचप के साथ, यह खाने में बहुत ही टेस्टी है। तो आप भी इसे ट्राई कीजिए, और अगर आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के साथ लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। थैंक यू।